मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। 7000 प्लस GK क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं दिल्ली पुलिस और इससे संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसका आज हम विश्व भूगोल का टॉपिक लेकर आए हैं। और विश्व भूगोल में टोटल आप क्वेश्चन देखेंगे 667। 667 क्वेश्चनों को हम अब दो वीडियो में लेंगे, दो पार्ट लेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट लेंगे और फिर इसी का हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। आज आप देखेंगे इसमें कहाँ से भाई 401 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे, एक से लेके 401 तक के क्वेश्चनों को आज इस एक पार्ट में देखेंगे, और 402 से लेकर 667 तक के जो हैं दूसरे पार्ट को आप जल्द ही देखेंगे। चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, आकाशगंगा किसमें वर्गीकृत की गई है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में ये वर्गीकृत की गई है। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, तो यहाँ पर 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारे का रंग किसका सूचक है, तारे का रंग किसका सूचक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन। ताप को बताता है, तारे का जो रंग है उसके ताप को बताता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, वो कहलाती है भैया चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है ये बताना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन सही, कृष्ण विवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये था भैया सी ऑप्शन सही, एस चंद्रशेखर ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण क्या है, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है भाई, 88 है, 88 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, खगोलीय वस्तु कौन सी नहीं है, तो कृष्ण मास्टर जो है वो खगोलीय वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, अंतरिक्ष में कौन नहीं पाया जाता, तो यह है ऑप्शन नंबर बी ब्रिस्टल स्टार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा, नक्षत्र। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये बताना है आपको, तो हम सब जानते हैं प्रकाश वर्ष जो किसकी इकाई है भैया, दूरी की इकाई है। यूके SSSC में ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तारों के मध्य है दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तारों के मध्य है दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो वो भी हमारी क्या है भैया, प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पर, वो कहाँ पर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, विषुवत रेखा पर। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है, वह है सप्तऋषि तारा, कौन सा भैया, सप्तऋषि तारा। निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, अंतरिक्ष शब्दावली संबंधित नहीं है, वह है डी ऑप्शन बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी निहारिका, सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये कोपरनिक्स ने बताया था, किसने बताया था भैया, कोपरनिक्स ने बताया था। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन एक बार फिर से सही होता हुआ, कोपरनिकस ने ही ये बात कही थी। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है हम सब जानते हैं, अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, लेकिन पहले ये क्या थी भैया? ये थी 9। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो ये है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच हैं? मंगल और अरुण के बीच कौन से ग्रह हैं? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति और शनि बिल्कुल सही होता हुआ, बृहस्पति और शनि यहाँ पर भी सही होता हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो ये है भैया शुक्र एवं मंगल के मध्य है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन परमाणु गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं, कहाँ पर विद्यमान होती हैं? यह है बृहस्पति शनि तथा मंगल पर, कहाँ पर? बृहस्पति शनि तथा मंगल पर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? सौरमंडल का ग्रह कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिडा जो है वो सौरमंडल का ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन से होते हैं? तो 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, गैस और प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ से? नाभिकीय संलयन द्वारा ये उत्पन्न होती है, किसके द्वारा होती है भैया? नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, किसके द्वारा देखा जा सकता है, कहाँ पर देखा जा सकता है? ये सारी बात है यहाँ पर किस में? क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए यहाँ हो जाएगा भैया सी ऑप्शन सही, कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। सूर्य ग्रहण कब होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण ये बताना है, और ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही, प्रतिपदा, प्रतिपदा के दिन होता है ये जो है क्या सूर्य ग्रहण, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है ये भी आपको बताना है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है यहाँ पर। और सूर्य ग्रहण कब होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो ये है भैया डी ऑप्शन सही, 150 × 10^6 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, और इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी पर कब होती है ये बताना है आपको, पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी पर कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को, कब होती है भैया? 3 जनवरी को। निम्नलिखित में कौन सा ग्रहण सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, जो सबसे नज़दीक होगा वही क्या लगाएगा, सबसे जल्दी चक्कर भी लगाएगा भैया। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से हैं ये आपको बताना है। तो 40 के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होता हुआ, बुध और शुक्र। नेक्स्ट की बात करते हैं, 41, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है, वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो 41 का ये बी ऑप्शन हो चुका है सही, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो 42 के लिए शुक्र यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से यहाँ पर शुक्र बन जाएगा भैया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार हम सब जानते हैं
हम सब जानते हैं यहाँ पर इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है भैया, शुक्र को ही कहा जाता है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये नाम भी हम सब जानते हैं किसका है भैया, शुक्र का ही है ये नाम भी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, किसने ये बात कही कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ये कही थी ए ऑप्शन मतलब अरस्तु ने कही थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन होता हुआ ग्रीन प्लेनेट जो है वो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 12,756 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी का है भैया व्यास। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है क्या है भैया, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है भाई, श्यान धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूप्रवृत्ति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, भूप्रवृत्ति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो 49 का लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है लगभग, ये आपको बताना है। 50 का ये हो जाएगा भैया कितना, सी ऑप्शन सही 8 मिनट के आसपास का समय लेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सर्वाधिक समीप सबसे नज़दीक कौन सा है, तो वो है भैया सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की बात करें, तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का निकट ग्रह कौन सा है, लेकिन इस बार ऑप्शन में आप देख सकते हैं शुक्र भी है, तो सबसे नज़दीक जो है शुक्र है और दूसरे नंबर पर है मंगल, तो वहाँ पर शुक्र नहीं था 52 में, तो इसलिए मंगल था, लेकिन यहाँ पर शुक्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन का समय यहाँ पर लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 55 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 28 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कितनी, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है, किस कारण जो है दिन रात होते हैं, तो वो है भू परिक्रमा जो है, परिभ्रमण जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इसका कारण है, पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है उसके कारण ये दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो गया भूमध्य रेखा पर, कहाँ पड़ती है भैया, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौसम बदलने का क्या कारण है, मौसम बदलने का कारण क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता हुआ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, किस बात की होगी, तो 61 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा भैया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक है कहाँ पर, कहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए यहाँ पर 23 अक्षांश, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है मरुभूमि होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के परिधेय घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है कहाँ चली जाएगी, ये बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। तो 63 के लिए यहाँ पर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है, किस एक से बना होता है, तो यह है भैया लोहो, मतलब लोहे से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है, किस ग्रह के संबंध में सही है, तो ये है मंगल के विषय में लगभग चीज़ें सही। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? सबसे सुसंगत अवस्था कौन सी है भैया जीवन के बारे में? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता हुआ, क्योंकि जल सबसे पहले होना चाहिए, जल है तो जीवन है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किसी एक वैज्ञानिक ने की थी? मतलब बृहस्पति के जो जो उपग्रह हैं उनकी खोज किसने की थी? तो ये की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम सब जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भैया बृहस्पति है, और सबसे भारी ग्रह कौन सा है अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर भी बृहस्पति का ही नंबर आता है। सूर्य की गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बृहस्पति का वलय होता है 71 के लिए बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? तो ये 29.5 मतलब 29.5 वर्ष का समय लेता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, घेरे किसके चारों ओर हैं ये बताना है? तो शनि के चारों ओर वलय मतलब घेरे हैं। शनि ग्रह है अगर कंपेरिजन कर जाए किससे, गर्म या ठंडा, तो 75 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपच्यून से गर्म है ये। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? टाइटन किसका जो चंद्रमा या उपग्रह है? तो 76 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, शनि का। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? तो ये ए ऑप्शन सही होता हुआ, 84 दिन का समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, सर्वाधिक समय कौन लेगा? तो इस क्वेश्चन के लिए बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून जो है वो बिल्कुल सही जवाब होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रह नहीं है? तो ये हम सब जानते हैं प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है, बुध जो है वो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो ए ऑप्शन मतलब वरुण, नेपच्यून जो है वो सबसे दूर ग्रह है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, मानव जो है पहली बार चंद्रमा पर कब पहुंचा? तो डी ऑप्शन 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। सी ऑफ ट्रिक्लिटी कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए बात करें तो चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? तो कारण क्या है इसका? 84 के लिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को क्या चाहिए भाई, माध्यम। चंद्र ग्रहण कब होता है, कब होता है चंद्र ग्रहण? तो ये बी ऑप्शन सही है, जब पृथ्वी सूर्य के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है ये आपको बताना, तो 86 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है उस समय कोण। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है, ग्रह कौन सा नहीं है बताना है, तो चंद्रमा केवल एक उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उसका भार घट जाता है, कम हो जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है ये आपको बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया ए सही, 384,000 किलोमीटर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो 91 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मंगल और बृहस्पति।
हेल बाप किसका नाम है, किसका नाम है? तो ये भूचल तारे का नाम है भैया, उल्का है। उल्का क्या है ये बताना है आपको। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी है? तो 95 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 45 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? वृहत वृत्त नहीं है। 94 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ पर स्थित है? तो 97 के लिए ये ए ऑप्शन सही है, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? तो 98 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ अंध महासागर में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह है कहाँ पर स्थित है? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर बी इसका सही, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। जब 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर होंगे? ये आपको बताना है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिमी देशांतर पर। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर कितना होगा? तो ये हो जाएगा भैया बी ऑप्शन सही, 6 घंटे का समय। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 180 डिग्री यहाँ पर सही ऑप्शन होता हुआ। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी? तो क्वेश्चन नंबर 103 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो क्या होता है? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? तो 105 के लिए ये सी ऑप्शन सही है, नाइजर से। क्वेश्चन नंबर 106, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किए एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समूह के समान नहीं है? तो ये बताना है 106 का आंसर आपको। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट है जब IST पर दोपहर होते हैं तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर क्या है? तो उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींची जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रशांत महासागर से। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, कहाँ पर न्यूनतम दूरी नहीं होती? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 110 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 6:30 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक जल मरुमध्य है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो 111 के लिए यहाँ पर क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेरिंग जल मरुमध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो ये भैया सी ऑप्शन सही है, देशांतर। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है तो जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो 113 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 45 डिग्री पूर्व। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग कितनी? तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 40,045 किलोमीटर। निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो यहाँ पर 116 के लिए
ऑप्शन नंबर बी सही है, मैक्सिको से भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से ये बताना है, तो सी ऑप्शन सही, केन्या से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है कौन सा, तो ये बताना है आपको 118 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो 119 के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो बन जाएगा भैया वो डी ऑप्शन सही बन जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है, किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो ये अफ्रीका से गुजरती है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्यांश होता है कितना होता है, तो 121 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 66.5 डिग्री। कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ से, 122 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईरान से। मकर रेखा नहीं गुजरती कहाँ से ये बताना है आपको, तो 123 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बोलीविया से। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 23 सितंबर। विश्व वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कौन से हैं ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 125 की हम बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो ये है भैया ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो ये है भैया 22 दिसंबर। किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होगा, किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है ये बताना है, तो ये है भैया 22 दिसंबर, कौन सा है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ चुका है आपके सामने 131वां क्वेश्चन। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है कब होता है, तो ये डी ऑप्शन सही है भैया, 21 जून को। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी कब होती है आपकी छाया ये बताना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 21 जून को। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो 134 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूरेनियम डेंटिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए, महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, कौन सा भूभाग शामिल था, तो ये है भैया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 137, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मीय साक्ष्य कहाँ का है ये बताना है आपको, तो 137 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता हुआ, वलन क्रिया के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवसादी सैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता हुआ, ये सैले स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बलवा पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, बलवा पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 142, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेनाइट।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से हुई, किन चट्टानों से हुई है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता हुआ। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैसें निकलती हैं, कौन सी गैसें निकलती हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, जल वाष्प। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो 147 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर एक बार फिर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते कहाँ पर, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते, बाल्टिक सागर में नहीं होते, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है ये बताना है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोआ उदाहरण है, किस टाइप का उदाहरण है मोना लोआ, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये है तंजानिया में, कहाँ पर, तंजानिया में। किलिमंजारो है एक क्या, किलिमंजारो क्या है एक ये बताना है आपको, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ज्वालामुखी है ये एक। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो 155 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रांबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो 156 का यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है, भूकंप से संबंधित अगर क्वेश्चनों की बात करें, तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, किसको नापने के लिए किया जाता है, हम सब जानते हैं भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए ही रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। सिस्मोमीटर मापता है, क्या मापता है सिस्मोमीटर, तो ये भूकंप को मापता है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, सुनामी किससे संबंधित है, हम सब जानते हैं जापानी भाषा का ये शब्द है सुनामी, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है, क्या कारण है इसका, तो 160 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, और अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो एक की हमने बात अभी की है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा है यहाँ पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्यम ऊंचाई वाला महाद्वीप है, तो 165 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। पर्वत की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो 166 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज जो है वो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, एंडीज किस में स्थित है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में स्थित, भैया दक्षिण आल्पस पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं ये बताना है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, किस देश का हिस्सा नहीं है, तो ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है आल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर, 172 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली
तीन पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो 173 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह कहाँ है? तो 174 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? ब्लैक पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, कहाँ पर है ये है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। ड्रोकेन्सबर्ग पर्वत है, ड्रोकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो 170 के लिए बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अफ्रीका में। माउंट टिटलिस स्थित है, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य है कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य है पर्वत बनाने वाला, पर्वत जो सीमा बनाने वाला है वो बी ऑप्शन सही है, पीरेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 181 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 5 किलोमीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? पठार पर स्थित नगर कौन सा है ये बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है और हम इस बात को सभी जानते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें कोई डाउट नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो 184 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मृत घाटी जानी जाती है इसकी, किसके लिए जानी जाती है मृत घाटी? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 186, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, कैलिफोर्निया राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 187। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है ये बताना है आपको, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिलिकन वैली अवस्थित है, किस जगह अवस्थित है ये बताना है, तो कैलिफोर्निया में है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंटार्कटिका में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। वृहद बेसिन अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है वृहद बेसिन? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ है, यूएसए में। राजाओं की घाटी स्थित है, राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ये बिल्कुल सही जवाब होता हुआ। अंधे घाटी यहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं अंधे घाटियाँ? तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ, काश प्रदेश में। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, कौन सी चीज़ सही होगी? तो ये है सी ऑप्शन सही, यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ये बताना है आपको, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसके लिए भी सी ऑप्शन सही है, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये चीन में स्थित है भैया। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल भी बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है और ये मंगोलिया में स्थित है भैया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही होता हुआ, दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है ये बताना है आपको, 201 के लिए बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अटाकामा मरुस्थल। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है,
पेंटागोनियन मरुस्थल घास मैदान की अगर बात करें तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, कहाँ पर है ये बताना है। 203 के लिए ये हो जाएगा भैया ए ऑप्शन सही। क्या अफ्रीका में दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? तो 204 के लिए ये बी ऑप्शन सही है, पंपास। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है तो डी ऑप्शन सही है, सवाना। निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो 206 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट बात करें संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 207 के लिए बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 208 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, भारत से जो छोटा है वो आपको बताना है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, फ्रांस। दक्षिण एशिया के किस देश में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है ये बताना है? तो ये ए ऑप्शन सही है, मालदीव। इनमें कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो 211 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, बांग्लादेश। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर से नहीं लगती है तो ये है ए ऑप्शन सही, आर्मेनिया। निम्नलिखित में से किन के साथ इसराइल की साझी सीमा है? किन के साथ इसराइल की साझी सीमा है? तो 213 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। निम्नलिखित में कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? सीमावर्ती नहीं है तो 214 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215 है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आ चुका है आपके सामने 216, अफ्रीका की सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही, सूडान को शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में कौन सा बालकन देश नहीं है? बालकन देश नहीं है तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ है, ऑस्ट्रिया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया के पास नहीं है, लिथुआनिया से नहीं जुड़ा हुआ है, वह है यूक्रेन। निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो 219 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो 220 के लिए ए ऑप्शन सही है, डेनमार्क। निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो 221 के लिए डी ऑप्शन सही, रूस। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो 222 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो 223 की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है तो यह है बी ऑप्शन, लाइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 225, निम्नलिखित में कौन एक अफ्रीका का स्थल रुद्ध देश है? 225 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, चाड। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल कौन सा? तो ये है भैया बी ऑप्शन सही, लाओस। नेक्स्ट है निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है, स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो ये है बोलीविया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध देश नहीं है तो उत्तरी अमेरिका में स्थल रुद्ध देश नहीं है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से ये आपको बताना है? तो ये था भैया दक्षिण रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता था। 230 क्वेश्चन की बात करें, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसकी? तो 230 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है 231, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 231 के लिए बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, विक्टोरिया।
मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है ये आपको बताना है। तो हम सब जानते हैं भारत और चीन की सीमा का नाम ही क्या है, मैकमोहन लाइन है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है, किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है ये बताना है 234 के लिए। सी ऑप्शन सही होता हुआ 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैगिनोट रेखा थी, मैगिनोट रेखा थी क्या भैया? ए ऑप्शन इसका सही होता हुआ फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, गलत बताना है कौन सा गलत है। तो ये पहले वाला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्लोवानिया की राजधानी बोत्सवाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको गलत ही बताना है। और ये है इस बार गलत आपके लिए कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, पेरू की राजधानी का नाम आपको बताना है। तो हम सब जानते हैं पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है भैया? लीमा। वियना एक जो है किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है, वियना किस देश की राजधानी है? तो 240 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानियों की सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है? तो ये उत्तर कोरिया की जो सियोल दे रखी है ये जो है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत दे दी गई है। राजधानी और देश का जो मिलान है वो कर दिया गया है यहाँ पर भैया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो है सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको गलत ही बताना है। तो 242 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मतलब ये दोनों जो हैं सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर भी गलत बताना है एक बार फिर से। और इस बार डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका आंसर। नाइजीरिया और रबात गलत दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है, एक बार फिर से गलत ही बताना है। तो 244 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका गलत के लिए, बर्लिन जर्मनी की राजधानी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है एक बार फिर से गलत बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर एक बार फिर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 246, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ लेबनान बेरूत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 247 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है चीन संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 248, और ये आपके सामने आ चुका है 248, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर भी गलत बताना है। और इस बार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक बार फिर से गलत बताना। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, एक बार फिर से आपको ये बताना है कि कौन सा शहर जो है राजधानी नहीं है, तो सिडनी राजधानी नहीं है। हेलसिकी, हेलसिकी जो है राजधानी है किसकी ये बताना है, तो फिनलैंड की हेलसिकी राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, गलत बताना है आपको। तो बी ऑप्शन यहाँ पर एक बार फिर से गलत होता हुआ फिनलैंड ओस्लो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेल जो है वो सही है, इस बार सही बताना है 254 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ स्विट्जरलैंड बन ना। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित नगरों में कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है, किस में जो है दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो 256 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा केप टाउन। कंधार स्थित है, कंधार कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है दक्षिण अफगानिस्तान में। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है, तो 258 की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक वृत्त
के दक्षिण में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आइसलैंड। नेक्स्ट है, सन सिटी अवस्थित है, सन सिटी जो है कहाँ स्थित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका में। काटो मैदान किस देश में है, वह कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 261 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जापान। मेक्सिको देश स्थित है कहाँ पर, मेक्सिको कहाँ पर स्थित है, तो बी ऑप्शन सही, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मेक्सिको स्थित है। कांगो स्थित है, कांगो कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको, तो हम सब जानते हैं अफ्रीका में कांगो स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है, माल्टा कहाँ पर अवस्थित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है भैया दक्षिणी अमेरिका को। निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शिकांगो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, क्या नाम है ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 270 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन है, केंटुकी, क्या है भैया, केंटुकी, ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, पश्चिम का द्वार कौन सा कहलाता है, तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी, और ये है इस क्या है, इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है वो टर्की का नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं, और ये थाईलैंड, थाईलैंड है इसका जवाब। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 273 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जापान। और निम्नलिखित देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, तो 274 के लिए भी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फिनलैंड को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या शहरों का शहर कहलाता है ये आपको बताना है, तो 275 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेनिस। नेक्स्ट की बात करें तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, तो 276 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दो तिहाई। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, 270 के लिए ये हो जाएगा भैया ए ऑप्शन सही। डेटम रेखा क्या है, डेटम रेखा क्या है ये आपको बताना है, तो 278 के लिए बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 90 ईस्ट इज कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 280 की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, हिंद महासागर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है ये आपको बताना है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। टर्की के उत्तर में क्या है, टर्की के उत्तर में क्या स्थित है, तो काला सागर स्थित है भैया टर्की के उत्तर में। आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर है कौन सा, आंतरिक सागर है, तो 283 के लिए यहाँ पर काला सागर जो है वो आंतरिक सागर कहलाता है। जिस महासागर में सार गोसो संबंधित है वह कौन सा है, तो 283 के लिए बी ऑप्शन सही, उत्तरी अटलांटिक। इटली, सिल्सी, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे महासागर का नाम क्या है, तो 285 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो 286 के लिए बी ऑप्शन सही है, 286 के लिए क्या बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अघुलास धारा चलती है कहाँ पर, चलती है अघुलास धारा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, हिंद महासागर में चलती हैं ये धाराएं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश
कौन सा है? नॉर्वे है। कौन सा? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? शीतल धारा कौन सी है? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पर्णवृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह है कौन सी? 291 के लिए कौन सा? भैया डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है? ये आपको बताना है कौन सी शीत धारा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। गल्फ स्ट्रीम है। क्या है भैया गल्फ स्ट्रीम? तो ये है एक महासागरीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो 294 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो 295 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सोडियम क्लोराइड का। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? ये आपको बताना है। तो ये है भैया लेक झील। वन जो है ये सबसे अधिक लवणता वाले जो है झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये आपके सामने आ चुका है, समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है क्या? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। लवणता बढ़ती है परंतु गहराई कम नहीं होती, कम होती है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 35 PPT। नेक्स्ट है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के का कारण क्या है? ये बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ। क्या भैया? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, वृहद ज्वार आता है, वृहद ज्वार आता है। तो इसके लिए हो जाएगा ए ऑप्शन सही। कौन सा? ए ऑप्शन सही। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं? तो 2303 के लिए यहाँ पर हो जाएगा भैया डी ऑप्शन सही, चंद्रमा से। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो 304 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित महासागरों में से किसे एक में परिखा स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही, हिंद महासागर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 306 आपके सामने है, और ऑप्शन नंबर बी जो है उसका वो बिल्कुल सही है, अमेजन। निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी बतानी है तो अमेजन का अभी जिक्र कर चुके हैं हम, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। तो मैं समझता हूँ एक बार फिर से आप सब जानते हैं कि अमेजन दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, तो वही लंबी होगी भाई जब विश्व की है, तो दक्षिण अमेरिका की भी वही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? कौन सा देश अपवाहित नहीं होता? चांद जो है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, जो दे गए हैं उनमें से। एशिया के निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? ये बताना है आपको। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सालवीन। सर और आमून नदियाँ गिरती हैं कहाँ पर? कहाँ पर गिरती हैं? तो 311 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। काला सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी भैया? तो 312 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? 313 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है तो ये है भैया ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 315 आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? एशिया से संबंधित नहीं है 315 के लिए ये बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, और जवाब है अमूर। कौन सा? अमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन है लिम्पोपो। कौन सी भैया?
लिम्पोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आ चुका है वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है कौन सा है? तो 317 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, श्रीलंका। क्या भैया? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से किसमें नहीं बहती, किसमें नहीं बहती? तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में। नेक्स्ट है, टाइबर नदी किस देश से होकर बहती है? टाइबर जो है वो किस देश से होकर बहती है? तो रोम से होकर बहती है टाइबर। उस देश का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस, उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा है? तो 320 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस। निम्न में कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगापू नदी बहती है? तो 322 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते। क्या नहीं होते? गहरा समुद्र। नेक्स्ट बात करें, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये ए ऑप्शन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, हम सब जानते हैं इस बारे में। और दुनिया में सबसे बड़ा जो है द्वीप है ग्रीनलैंड, तो इसके बारे में कौन सी बात सही है? तो डी ऑप्शन सही है, न्यू गिनी। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो 328 का ए ऑप्शन सही है, बोर्नियो। कालीमनत जिस द्वीप का अंग है वह है, कालीमनत जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन नंबर 330 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? तो सी ऑप्शन सही है, मॉरिशस। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनसिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो 332 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है भैया। नेक्स्ट है, 333, डियांगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियांगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, हिंद महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो 334 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब किया गया था ये बताना है आपको, तो डी ऑप्शन है, 99 में। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 337 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, भूमध्य सागर में। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है तो डी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। झील एवं जलप्रपात में अगर देखा जाए तो निम्न में कौन ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, बियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो 341 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 342 की बात करें, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो 342 के लिए ऑप्शन नंबर जो है सी वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, 343, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। प्रसिद्ध अंगुली योनुमा मतलब फिंगर झील कहाँ स्थित है? तो 344 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो 340 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जाम्बेजी। नेक्स्ट है,
कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? 347 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 348, और 48 में यहाँ पर आ गया आपका हार्मुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पर? तो 348 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करें, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल मरुमध्य अलग करता है वह कौन सा है? तो 49 के लिए यहाँ पर बात करें तो बेरिंग जल मरुद्वीय जो है उन दोनों को अलग करता है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल मरुमध्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन बेरिंग जो है वो इन दोनों को जोड़ता है भैया। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे, ये बताना है आपको, तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित जल मरुमध्यों में किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, ये बताना है आपको, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353, डोवर जल संधि जोड़ती है किसे, जोड़ती है डोवर जल संधि, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर एक बार फिर से आपका सही होता हुआ किसके लिए, 353 के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पाक खाड़ी किनके बीच है, पाक खाड़ी किनके बीच है ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 354 के लिए बात करें बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है 355, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। निम्नलिखित में कौन फारस की खाड़ी की सीमावर्ती देश नहीं है? तो यहाँ पर अभी एक तरह से जिसकी सीमा नहीं बनाने की वही सीमावर्ती देश नहीं होगी ओमान। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन से जल संधि जोड़ती है? तो 357 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, वे हैं कौन, किसे किसे जोड़ती है स्वेज नहर? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है कौन सा, ये बताना है, तो इसके लिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो ये बी ऑप्शन सही है, स्वेज पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसे जोड़ते हैं ये आपको बताना है, तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और होरोनू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 364, कील नहर किन्हें जोड़ती है? तो 364 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पास पद्धति द्वारा नहीं किया गया है? तो 365 के लिए यहाँ पर बात करें तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, स्वेज नहर। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह है संयुक्त परियोजना है? तो 366 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ब्राजील और पैराग्वे। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है कहाँ पर? तो इसके लिए सी ऑप्शन यहाँ पर के लिए भी बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ पर? तो 368 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ। प्रबाल भित्ति की अगर क्वेश्चनों की बात करें तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 370 की बात करें तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है ये। नेक्स्ट है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो 371 की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन सा भैया, डी ऑप्शन, क्या है डी ऑप्शन, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड जो है वो डी ऑप्शन है और वो ही यहाँ पर सही होता हुआ। विश्व की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो 372 के लिए ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो 373 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है कि आपको बताना है। तो 374 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सा है? तो 375 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सोम मंडल। ओजोन परत स्थित है कहाँ पर? ओजोन परत स्थित है कहाँ पर? तो इसके लिए भी सी ऑप्शन आपका सही है, समताप मंडल में। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है क्या करना है? तो 370 के डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 15 से 20 किलोमीटर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, समताप मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो 371 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आयनमंडल। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? तो 382 के लिए यहाँ पर क्या भैया ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह है निम्नलिखित में से कौन सा यसी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता या करती है? तो 383 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा भैया? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर? तो 384 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है किस कारण से? तो 385 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, विकिरण के कारण जो है यहाँ पर ये ठंडे होते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कहाँ पर? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? टॉर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे, किसे करेंगे? तो 388 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोम टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही बनता हुआ। नेक्स्ट है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित है? तो 390 के लिए बी ऑप्शन सही, चीन सागर। विली विली क्या है ये बताना है, विली विली क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो ये बी ऑप्शन सही है, तूफान का सूचक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो 393 के लिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब जब मौसम किस टाइप का होता है ये आपको बताना है। तो 394 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, उमस वाला। निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के नाम से जोड़ते हैं, समृद्ध करते हैं? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर है सी ऑप्शन, वर्षा स्तरीय। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पक्षाभ स्तरीय बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है चिनूक हवाओं का? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवने प्रवाहित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ, हिंद महासागर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो 400 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही, पृथ्वी का घूर्णन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती हैं कौन सी? तो व्यापारिक पवने होती हैं। तो ये हमने
पहला भाग देखा है किसका, विश्व भूगोल का। जल्दी हम इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे जिसमें आप 402 से और 667 तक के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो बिल्कुल ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको मिल जाता है सभी का क्या भैया PDF। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।